करते हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में जोरदार हंगामा हुआ है। रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ बढ़ रहे थे, इससे हंगामा हो गया, भगदड़ की स्थिति हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। हंगामा के वक्त अखिलेश यादव खुद मंच पर मौजूद थे और वे बार बार कार्यकर्ताओं को वहीं रुकने की अपील कर रहे थे। दो दिन पहले भी 19 मई को फूलपुर में अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ मची थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप देख रही है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी हैं और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की लाठी चली। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले 19 मई 2024 की तस्वीरें कि अखिलेश की रैली में किस तरीके से भगदड़ मची और आजमगढ़ की रैली में भी भगदड़ मची है। हालांकि पुलिस के पसीने छूट गए इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पुलिस समझाती रही, कोशिश करती रही, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। लाठी चार्ज किया पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये आजमगढ़ रैली में भगदड़ की तस्वीरें। अखिलेश यादव की रैली थी, जोरदार हंगामा हुआ और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ बढ़ रहे थे, इससे हंगामा बढ़ता चला गया, भगदड़ की स्थिति हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। हंगामे के वक्त अखिलेश यादव खुद मंच पर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि भीड़ से किसी ने चप्पल फेंकी, किसी ने कुर्सियां फेंकी, पुलिस की लाठी धनाधन चल रही है। एक व्यक्ति ऊपर बैठा है, वहीं से वो कोशिश कर रहा है कूदने की। तो ये भगदड़ की स्थिति अखिलेश यादव की सभा के दौरान की। हालांकि अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की कि आप जहां हैं वहीं स्थिर हो, वहीं खड़े हों, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। बावजूद इसके जो आजमगढ़ में अखिलेश यादव को सुनने के लिए उनके समर्थकों की भीड़ वहां जुटी थी, भगदड़ मच गई और लोग वहां से भागने लगे और भगदड़ की स्थिति में कई लोगों को चोटें भी आईं। हालांकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज करनी पड़ी है। ये तस्वीरें आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, जहां SP कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई हैं और ये देखिए उड़ता हुआ चप्पल, उड़ती हुई कुर्सियां, टूटे कुर्सियां जो हैं वो नजर आ रही हैं और ऐसे में हर लोग तितर बितर, भीड़ जो है इधर उधर भागने लगी। हालांकि अखिलेश यादव ने मंच से जरूर कहा कि आप जहां हैं वहीं ठहरिए। और दो दिन पहले भी 19 मई को फूलपुर में भी अखिलेश यादव की सभा थी और उस रैली में भी भगदड़ मची थी। तो दो दिन ऐसे हैं जहां भगदड़ की स्थिति हो गई।